बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारे पास आज सॉल्यूशन एंड कोलाइडल का सेवन्थ लेक्चर पढ़ाया जा रहा है, और सेवन्थ लेक्चर्स के अंदर हम आज राउट्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे कि राउट्स लॉ हमारे पास क्या है और इसकी क्या क्या आपके पास एप्लीकेशंस हैं, और साथ ही हम इसमें राउट्स लॉ के बारे में उस सॉल्यूशन में मौजूद जो आपके पास वेपर प्रेशर का अफेक्ट होता है उसके बारे में स्टडी। राउट्स लॉ किसको कहा जाता है? बेसिकली तो हमारे पास जो राउट्स लॉ है वो आपके पास सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन किया जाता है, यानी कि आपके पास प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन में मौजूद जो सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर में क्या फ़र्क आता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह के सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने से प्रेशर में फ़र्क आ सकता है, क्योंकि सॉल्यूट हमारे पास दो तरह के होते हैं, हमारे पास वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है, और इस तरह सॉल्वेंट भी हमारे पास जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, वोलेटाइल भी और आपके पास नॉन वोलेटाइल भी। तो राउट्स लॉ में हम वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्यूशन में मौजूद जो सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर की जो एक्सप्लेनेशन है वो राउट्स लॉ के ज़रिए से एक्सप्लेन की जा सकती है। तो इन 1886 में राउट्स लॉ ने, यानी कि राउट्स ने, मैरी राउट्स ने जो है ये लॉ प्रोवाइड किया, और उसने अपनी ये ऑब्जर्वेशन दी कि हमारे पास जो आपके पास सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो आपके पास जो सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट के आपके पास और प्योर जो सॉल्वेंट है उसके आपके पास वेपर प्रेशर के बराबर होता है, यानी कि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट मौजूद है उसकी मोल फ्रैक्शन जो है वो किस तरह की है, यानी कि आपके पास अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो लाजमन सॉल्वेंट में मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगी, और अगर कंसंट्रेटेड होगा आपके पास तो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन कम होगी। अगर सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन ज़्यादा आपके पास होगी तो आपके पास जो है उसकी एक लिहाज से आपके पास वेपर प्रेशर भी आपके पास ज़्यादा होगा, और अगर उसकी मोल फ्रैक्शन कम होगी तो तब आपके पास उसका वेपर प्रेशर भी कम आपके पास होगा। तो इसी हवाले से इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन है। तो पहला केस जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास वोलाटाइल सॉल्वेंट होगा और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा, तब आपके पास वेपर प्रेशर के ऊपर किस तरीके का फ़र्क है तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा कि प्योर सॉल्वेंट है और इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपके पास जो है वो पर मीटर पे मौजूद है, और यहाँ पर ये सॉल्यूशन है और इसमें येलो कलर के सॉल्यूट मौजूद है, तो यहाँ पर भी इसका प्रेशर मौजूद है। तो हमारे पास जो आपके पास कंसनट्रेशन आपके पास होती है, मोल फ्रैक्शन हमारे पास जो होती है, यहाँ पर सॉल्यूट के आने से मोल फ्रैक्शन कम हो चुकी है क्योंकि दो पार्ट बन चुके हैं, यहाँ पर 100% प्योर सॉल्वेंट आपके पास है तो इसलिए यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर 100% नहीं है आपके पास, यहाँ पर उसकी मोल फ्रैक्शन जो है वो कम है, वन से कम है, वन से कम होने की वजह से यहाँ पर उसका वेपर प्रेशर भी कम हमारे पास होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल आपके पास सॉल्यूट है तो इसलिए वो आपके पास इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, और इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वो आपके पास मालिक्यूल जो है वो मूव नहीं कर पा रहे यहाँ पर नॉन वोलेटाइल होने की वजह से। तो हमारे पास द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन का ये जो वेपर प्रेशर है ये किस चीज़ के इक्वल होता है? ये इक्वल हमारे पास होता है आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है और मोल फ्रैक्शन जो हमारे पास है सॉल्वेंट की सॉल्यूशन के अंदर, इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो तब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन आएगा, यानी कि सॉल्यूशन के ऊपर आपके पास सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है उसका आंसर आपके पास इसमें आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है कि P इज इक्वल टू P नॉट एक्स वन, यहाँ पर जो ये P आपके पास है वो आपके पास जो है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को शो कर रहा है, और जो ये P आपके पास है ये प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर शो कर रहा है, और ये एक्स वन जो हमारे पास है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपके पास जो है वो 0.4 एग्जांपल प्योर सॉल्वेंट जो है
प्योर सॉल्वेंट का अगर आपके पास यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है वो आपके पास फॉर एग्जांपल 3 है, वेपर प्रेशर हमारे पास कितना है 3 है प्योर सॉल्वेंट का, 3 टॉर आपके पास है, जबकि मॉल फ्रैक्शन आपके पास जो इसकी मौजूद है वो 0.7 है। तो अगर मैं 3 को 0.7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 2.1 आ जाता है। ये 2.1 आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वैल्यू कम हो चुकी है, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आने से उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, डिक्रीज आपके पास हो चुकी है। तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी चीज़ किस किस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो हमारे पास आता है इसकी सेकंड डेफिनेशन आती है। सेकंड डेफिनेशन भी या फिर आपके पास सॉल्वेंट के अलावा वो सॉल्यूट के हवाले से, अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाओगे तो चेंज इन प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और प्रेशर लोअर होता जाएगा और कम हमारे पास होता जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट की जो आपके पास मोल फ्रैक्शन है वो कम हो रही है, वो जब कम होती जाएगी तो आपके पास वो सॉल्यूशन का जो आपके पास प्रेशर होगा वो भी कम होता जाएगा, तो चेंज इन प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। तो सेकंड डेफिनेशन होती है, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर इसकी फ्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू भी आपके पास कम होती जाएगी। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास आ जाती है। यहाँ पर जो डेल पी है वो आपके पास प्योर सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस हमारे पास प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन को शो कर रहा है। प्योर सॉल्वेंट अगर फॉर एग्जांपल जैसे 3 था और सॉल्यूशन की वैल्यू आपके पास जो थी, जैसे आपके पास इस केस में मैंने अभी वो कैलकुलेट की थी वहाँ पर सपोज वैल्यू के जरिए से 2.1 है, तो अगर आप 3 में से 2.1 माइनस कर लोगे तो आपके पास 0.9 आ जाएगा, यानी कि चेंज इन जो प्रेशर आया वो 0.9 आपके पास आ चुका है। तो ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपके पास उसकी कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाओगे तो चेंज इन प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ना शुरू आपके पास हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाने से चेंज इन प्रेशर की वैल्यू तो बढ़ जाएगी लेकिन प्रेशर लोअर होना भी शुरू आपके पास हो जाएगा। तो हमारे पास जो लोअरिंग ऑफ प्रेशर आपके पास है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है कि सॉल्यूट आप जितना ज़्यादा डालोगे प्रेशर उतना ज़्यादा लो होना शुरू हो जाएगा, क्रूज होना आपके पास शुरू हो जाएगा। फिर इसी के साथ साथ आपके पास आप ये चीज़ भी ज़हन में रखें कि हमारे पास जो सॉल्यूट है वो आपके पास जो भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेचर पे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो आयन हो चाहे वो आपके पास कोई आपके पास मॉलिक्यूल आपके पास हो, ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर कि किसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा या कम है। अगर सोडियम आयन के नंबर ऑफ़ पार्टिकल फॉर एग्जांपल एवोगैड्रो नंबर की इक्वल है और ग्लूकोज के एक और सोल्यूशन के अंदर भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है तो दोनों का आपके पास वेपर प्रेशर के ऊपर अफेक्ट एक जैसा ही आपके पास हो, उसमें कोई किसी किस्म का कोई फर्क नहीं हमारे पास हो जाएगा। तो ये इसकी सेकंड डेफिनेशन आ जाती है। और एक दूसरा फार्मूला इसका आपके पास यू भी हो सकता है कि अगर हम पी नॉट जो इसे मल्टीप्लाई और इस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाए तो ये भी एक फार्मूला हमारे पास बन जाता है आपके पास राउट्स ला का, ये राउट्स ला के ही फार्मूले हमारे पास मौजूद हैं। तो नेक्स्ट हम केस की तरफ मूव करते हैं, तो जो नेक्स्ट केस हमारे पास है उससे पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि आपके पास राउट्स ला की किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है या किन चीज़ों के बारे में बताया गया। एक तो ये है, पहली चीज़ है जो आपके जहन में होना चाहिए कि राउट्स लॉ जो है वो आइडियल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करता है और आइडियल सॉल्यूशन के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का कोई खास रोल नहीं होता, यानी कि उनका कोई अफेक्ट नहीं होता, जबकि हमारे पर रियल सॉल्यूशन के अंदर आपके पास कहीं पर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं तो कहीं पर वीक हो जाती हैं सॉल्यूशन बनाते हुए। जहां पर आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो भी आपके पास डेविएशन करेंगी, आपके पास वहां पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा आपके पास आइडियल के मुकाबले। जहां पर सॉल्यूशन बनाने से आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं वहां पर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस लिहाज से राउट्स लॉ के हवाले से दो डेविएशन भी है, एक नेगेटिव डेविएशन है एक पॉजिटिव डेविएशन भी है। तो राउट्स लॉ बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन पे एक्सप्लेन करता है और आपके पास ये टेंपरेचर पर भी किसी किस्म का आपके पास ये डिपेंड आपके पास नहीं करता, इनडिपेंडेंट आपके पास होता है। ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दोगे तो आपके पास चेंज इन प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, आपके पास प्रॉपर्टीज में चेंज आना भी ज्यादा आपके पास हो जाएगा। और दूसरा ये कि अगर आपके पास सॉल्वेंट जो है आपके पास जो भी हो आपके पास सेम सॉल्वेंट हो लेकिन अगर आप डिफरेंट मॉलिक्यूल के सेम नंबर ऑफ मोल्स आप पुट करेंगे तो आपके पास जो है वैल्यू सेम आपके पास आएगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये मैं पीछे भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और आपके पास जो सॉल्यूशन है वो आपके पास
जो है आइडियल सॉल्यूशन आपके पास बन सकता है या आइडियल के क्लोज उसकी वैल्यू आ सकती है अगर आपके पास सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो। सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो आइडियल के क्लोज आपके पास उसकी वैल्यू आपके पास आएगी, अदरवाइज अगर कंसंट्रेटेड करोगे तो आपके पास उसकी डेविएशन बहुत ज़्यादा आपके पास हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, अगर आपके पास दो कंपोनेंट हो और दोनों के दोनों आपके पास वोलेटाइल आपके पास हो, यानी कि सॉल्यूट भी वोलेटाइल हो सॉल्वेंट भी वोलेटाइल हो, तो दोनों आपके पास वेपर में चेंज होंगे। जब दोनों वेपर में चेंज होंगे तो उन दोनों को आइडेंटिफाई करना आपके पास मुश्किल हो जाएगा कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट आपके पास है, तो ये भी प्रोसेस आपके पास हो सकता है। तो अगर आप उनका प्रेशर मालूम करना चाहेंगे तो दोनों के प्रेशर को आप जमा कर देंगे, यानी कि ए का भी और बी का भी, यानी कि ए आपके पास मौजूद और बी दोनों के प्रेशर को जमा करेंगे तो तब आपके पास होगा। तो हमारे पास जो है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी अगर आपके पास इक्वल हो, सिंपल आपके पास इस बीकर में मौजूद खाली ए के, तो दोनों का प्रेशर सेम होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, वोलेटाइल मौजूद हैं। इस वजह से आपके पास यहाँ पर भी 6 नंबर ऑफ आपके पास वेपर्स बन रहे हैं, यहाँ पर भी 6 ही आपके पास बन रहे हैं, दोनों के नंबर्स आपके पास इक्वल ही हमारे पास मौजूद होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो इसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास है वो यही है कि आपके पास जो है, अगर आपके पास दोनों के दोनों जो लिक्विड फेज आपके पास मौजूद हैं, दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं, तो हमारे पास दोनों के दोनों वेपर्स में आपके पास क्या हो जाएंगे, चेंज आपके पास हो जाएंगे। तो आपके पास दोनों के दोनों जब वेपर में इक्वली चेंज होंगे तो उनमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो दोनों की आपके पास मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, आपके पास जो दो कंपोनेंट हैं दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर दोनों में से किसी को भी इंक्रीज करेंगे तो मोल फ्रैक्शन भी आपके पास क्या हो जाएगी, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, अगर मोल फ्रैक्शन आप इंक्रीज करते हैं तब आप। नेक्स्ट हम इसको एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली आपके पास इन दोनों को आपके पास जो यानी कि ए और बी जो दो हमारे पास एक लिहाज से कंपोनेंट थे, दोनों का प्रेशर क्योंकि आपके पास मौजूद है और दोनों इक्विलिब्रियम में भी आपके पास मौजूद थे, तो हम इनका टोटल प्रेशर अगर मालूम करते हैं तो इनके मोल फ्रैक्शन को हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। यानी कि आपके पास पी ए पी बी को हमने टोटल प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया, इन दोनों के आपके पास जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर था इसका और इसका दोनों को हमने प्लस कर दिया है आपके पास प्योर सॉल्वेंट के साथ ही हो, और आपके पास इसी तरीके से आपके पास जो है उसकी मोल फ्रैक्शन के साथ भी प्लस कर दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम पीछे पढ़ भी चुके हैं मोल फ्रैक्शन का टोटल रिजल्ट जो होता है वो इक्वल टू 1 हमारे पास हो, चाहे जितने भी कंपोनेंट हो टोटल रिजल्ट 1 के इक्वल होगा। तो इसलिए एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। अगर एक्स ए को मालूम करना चाहे एक्स प्लस एक्स बी है तो साइड पर जाकर माइनस एक्स बी आपके पास हो जाएगी। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हम इसको पुट कर दें तब हमारे पास इक्वेशन कुछ यू कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एज इट आ जाएगा, और इसको एक्स बी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको रीअरेंज किया मैंने, इसको पहले लिख दिया और पी ए इसको इस साइड पर शिफ्ट कर दिया ताकि इसमें से मैं कॉमा ले सकूँ। तो यहाँ पर एक्स भी मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्म बन जाती है, जब दो के दो कंपोनेंट जो हैं सॉल्यूशन में मौजूद हों, दोनों के दोनों आपके पास क्या हो, वोलेटाइल हो, तब इस तरह की इक्वेशन हमारे पास बन सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं तो इस ग्राफ की तरफ आते हैं कि ग्राफिकली हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन दो कंपोनेंट को जो दोनों के दोनों वोलेटाइल थे, तो दोनों का आपके पास लाजमन प्रेशर आपके पास होगा, तो एक्स एक्सिस हमारे पास जो मौजूद है तो वो आपके पास मोल फ्रैक्शन को शो कर रही है, और जो वाई एक्सिस आपके पास मौजूद है वो वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये एक्स ए है, मतलब ए कंपोनेंट जो सॉल्यूशन का है उसका आपके पास उसकी मोल फ्रैक्शन भी है और आपके पास उसका वेपर प्रेशर भी है, और ये बी हमारे पास का आपके पास ग्राफ है, बी के मोल फ्रैक्शन भी है और बी का कंपोनेंट यानी कि वेपर प्रेशर भी मौजूद है, मोल फ्रैक्शन, और उन दोनों को शो किया। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, नेक्स्ट आपके पास ग्राफ में दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो फिर हम देखेंगे तो इसमें क्या फर्क आ रहा है। तो ग्राफ में हमारे पास जो एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको एक्सप्लेन किया गया है, ये दोनों के आपके पास वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो आपके पास दोनों वेपर में चेंज हो रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, वोला आपके पास मौजूद हैं। तो दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपके पास बन जाता है, और इस ग्राफ में हमारे पास ए कंपोनेंट भी है और बी कंपोनेंट भी है, दोनों को आपके पास कंबाइन कर दिया गया। जैसे दोनों को कंबाइन किया तो आपके पास यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल रही है कि आपके पास जो बी हमारे पास कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर ए कंपोनेंट के मुकाबले में ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बी कंपोनेंट है वो ज़्यादा वोलेटाइल है किसके मुकाबले में, ए कंपोनेंट के मुकाबले में। तो आपके पास बी जो आपके पास कंपोनेंट है उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इजीली आपके पास वेपर में क्या हो जाए, चेंज आपके पास हो जाए, किसके मुकाबले में, ए कंपोनेंट के मुकाबले में। तो इन दोनों को जब हम एक ही ग्राफ में हमने यहाँ पर शो किया तो ये जो स्लोप वाली लाइन आपके पास ये मौजूद है, तो ये लाइन टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है।
तो इस लाइन का अगर हम एवरेज ले लें इन दो पॉइंट का, तो वो हमारे पास सॉल्यूशन का प्रेशर हमारे पास आ सकता है। तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर होता है वो इक्वल टू द सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट को अगर हम सम अप कर देते हैं तो तब हमारे पास जो है वो टोटल प्रेशर आपके पास आ जाता है। तो ये हमारे पास राउल्ट्स लॉ की एक्सप्लेनेशन आ जाती है, और राउल्ट्स लॉ हमारे पास जो है वो बेसिकली वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन कर रहा है सॉल्वेंट के, एक प्योर हालत में और दूसरा सॉल्यूशन की हालत में। और फिर आपके पास सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को भी एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो आपके पास वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा और वो भी वो नॉन वोलेटाइल हुआ, तो तब आपके पास जो है वो सॉल्वेंट की जो आपके पास वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये टोटल इसकी एक्सप्लेनेशन है, टोटल यही थ्योरी हमारे पास इसमें मौजूद है। और अगर आपको इसमें कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप पर्सनल इनबॉक्स में मैसेज करके इस हवाले से पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूं। थैंक्स।